और अंग्रेज आज भी उस शेखुल हिंद के तहरीक रेशमी रुमाल से आज भी उस पर सर बुनते हैं कि वो कैसा मौलवी था जो चटाइयों पर बैठता था, जिनके पास कोई आला तो वसाइल नहीं थे, जिनके पास खाने को कुछ आज नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, और वो महमूद हसन जिसके बदन में बहुत ज्यादा गोश्त पोश्त भी नहीं था, बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं थे। आखिर उस मौलवी ने इतना बड़ा दिमाग कैसे लगा लिया कि अगर रेशमी रुमाल की तहरीक कामयाब हो जाती और उसके राज को फाश करने में हमारे अपनों की गद्दारी शामिल ना होती, तो अजीज तलबा आप यकीन माने कि आज हिंदुस्तान इस हालत पर ना होता कि जिस पर आज अभी हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान की हालत कुछ और होती और यहाँ का मंजर कुछ और होता। बहरहाल शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन दियोबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने उस शोले को बुझने नहीं दिया जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने जलाया था। उसे जलाते रहे, अंग्रेजों की मुखालफत करते रहे, दारुल उलूम दियोबंद के अंदर दर्स व तदरीस का काम करते और यहाँ से निकलने के बाद देहातों में चले जाते और लोगों को अंग्रेज के खिलाफ इकट्ठा करने का काम करते। ये होता रहा, आखिरकार अंग्रेजों को मौलाना महमूद हसन दियोबंदी खल गए, उनके नजर में आ गए। चुनांच गालिबन 1816 या 17 के अंदर मौलाना महमूद हसन दियोबंदी यानी शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह और उनके साथ उनके 200 मुसाहिबीन को गिरफ्तार किया गया। कितने मुसाहिबीन को? 200 मुसाहिबीन को गिरफ्तार किया गया और उसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि माल्टा भेजा गया। कहाँ भेजा गया? माल्टा। माल्टा कहाँ है? ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं, ये यूरोप के अंदर पड़ता है। ये यूरोप के अंदर पड़ता है, यूरोप का इत्तेहादी मुल्क है, एक जजीरा है। माल्टा के अंदर हमारे शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह को कैद किया गया और उनके साथ शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उनके रुफका थे। अजीज तलबा, क्या माल्टा के अंदर शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह को, शेखुल इस्लाम को आसानी के साथ, आशाइश के साथ रखा जाता था? वहां के रहने वालों का बयान है कि हजरत के उस काल कोठरी के अंदर जिसमें सही से पैर नहीं फैलाया जाता, सही से आदमी खड़ा नहीं हो सकता, उस कोठरी के अंदर जहरीले सांप को छोड़ दिया जाता। क्या उसे अच्छे खाने खिलाए जाते थे? ऐशो आराम के साथ रखा जाता था? उनके साथ रहने वालों का बयान है कि शेखुल हिंद को अंग्रेज रात में उठाते थे और उसे लेकर जाते थे, उसके कमर पर कोड़े लगाए जाते थे और कहता था कि महमूद हसन सिर्फ ये कह दो कि हम अंग्रेज के मुखालिफ नहीं हैं, हम अंग्रेज के मुआफिक हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे। उनके साथ रहने वालों का बयान है कि जब हजरत ने उनके बातों में हामी नहीं भरी तो फिर एक दिन वो आया कि अंग्रेजों ने आग के शोले जलाए और हजरत रहमतुल्लाहि अलैह को उल्टा लिटा दिया गया, यानी चित लिटा दिया गया और वो शोले उसके कमर के पास जलाए गए। वो शोला चमड़ी को जलाता रहा, वहां से खून और चर्बी पिघलती रही और आग को बुझाता रहा। आखिरकार हजरत रहमतुल्लाहि अलैह के खून और चर्बी से वो आग बुझ गई, लेकिन हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने कभी भी अंग्रेज की बातों में हामी नहीं भरी। यही नहीं, ऐसा नहीं कि इन तमाम के तमाम मसाइब और इन तमाम के तमाम मजालिम के बाद शेखुल हिंद के जज्बे जिहाद के अंदर और इस वतन अजीज को आजाद करने के अज़्म और हौसले में जर्रा बराबर भी लग्जिश आई हो? हरगिज नहीं। आप तारीख उठाकर देख लें, हजरत रहमतुल्लाहि अलैह को माल्टा की जेल से रिहा किया जाता है, आप कश्ती से मुंबई के अंदर आते हैं, पूरे हिंदुस्तानी लोग वहां जाते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। मेरे दोस्तों, वो मंजर देखने वाला था कि वहां से आने के बाद भी हजरत रहमतुल्लाहि अलैह के इस अज़्म और हौसले के अंदर जर्रा बराबर लग्जिश नहीं आई, जर्रा बराबर जुम्बिश नहीं आई। आप अपने उस मौकिफ पर खड़े थे कि हमारी जान तो जा सकती है लेकिन अंग्रेज की गुलामी हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती,
हम इसे कबूल नहीं कर सकते। चुनांचे वहां से आने के बाद उलमाए किराम ने शेखुल हिंद ने देखा कि हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे वतन अजीज में रहने वाले बिरादराने वतन खुलकर हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। कुछ थे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन साथ में थे, सब लड़ रहे थे। तो मौलाना महमूद हसन दियोबंदी रहमतुल्लाह अलैह नजर बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी पर पड़े। ये बाबाए कौम नहीं था, ये राष्ट्रपिता नहीं था, ये महात्मा गांधी नहीं था, ये तो सिर्फ बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे। चुनांचे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपने साथ मिलाया और कहा कि हम सारे हिंदुस्तान में जाएंगे और लोगों को बतलाएंगे कि ये बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी आपके लीडर हैं, लोग बिरादराने वतन हमारे साथ आएंगे। चुनांचे वो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला और बाबा कौम बनाने वाला और राष्ट्रपिता बनाने वाला कोई और नहीं, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। और बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का लकब देने वाला भी कोई बिरादराने वतन, कोई हिंदू भाई नहीं, बल्कि वो भी एक मुसलमान था जिसने बाबाए कौम मोहनदास करमचंद गांधी को ये बाबाए कौम और महात्मा गांधी का लकब दिया। अजीज तलबा, बात यह है कि ये चंद वो उलमा हैं जिनकी तारीख और जिनके वाकयात आपके सामने पेश किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चंद उलमा हैं, इनके पीछे चलने वाले हजारों लाखों की तादाद में उलमा हैं, हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान हैं और बिरादराने वतन भी इसमें हैं। इन तमाम की मुत्तहिदा और मुश्तरिका कोशिशों के नतीजे के अंदर यह हिंदुस्तान आज़ाद हुआ कि जिसको हम आज कहते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान है। लेकिन ये आज़ाद हिंदुस्तान हर एक के लिए आज़ाद था, लेकिन अब लग रहा है कि ये आज़ाद नहीं है। यहाँ के कुछ बाशिंदों के पैरों के अंदर शरीयत पर ना चलने की जंजीरें लगाई जा रही हैं। चुनांचे कुछ लोगों का कहना है कि यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, यूसीसी का निफाज किया जाए। यूसीसी क्या है? किसी का कोई मजहब नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई जकात नहीं, कोई हज नहीं, शादी ब्याह का कोई खास तरीका नहीं, वसीयत और विरासत का कोई खास तरीका कार नहीं। यकीनन जिन लोगों ने मुस्लिम परसनल्ला को बनाया था, हिंदुस्तानी कवानीन को बनाते वक्त उन्होंने जरूर कुछ सोचा होगा, उन्होंने इस्लामी तालीमात को सामने रखकर मुस्लिम परसनल्ला का गठन किया था, मुस्लिम परसनल्ला को माननीयता दिया था, कुछ सोचकर कुछ समझकर दिया था। लेकिन आज कुछ लोग इसको खत्म करने के दर पे हैं। मेरे अजीज तलबा, आप नियत करें कि इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने इन अकाबिर को कभी भूलने नहीं देंगे। लोगों के दिमागों में हम अपने इन अकाबिर का तज़किरा वक्तन फवक्तन डालते रहेंगे। दुनिया लाख भुलाने की कोशिश करे, लेकिन हम अपने अकाबिरीन की इन कुर्बानियों को फरामोश न करेंगे और न फरामोश करने देंगे। तारीख बदलना चाहे, कोशिश करना चाहे, कर ले। कागजों से ये तारीख लिख सकती है, लेकिन हम लोगों के दिलो दिमाग पर इसको ऐसा नक्श कर देंगे कि लोग अपने आने वाले नस्लों को
पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और वो उनके जहनों के अंदर नक्श करके जाएंगे कि इस हिंदुस्तान को आजाद करने में, इस हिंदुस्तान के बाग को सजाने में बिरादराने वतन का जितना खून है उससे कहीं ज्यादा खून मुसलमान का है। और अकल भी इस बात का तकाजा करती है, इसलिए कि अंग्रेजों ने हुकूमत छीनी थी मुसलमानों से, मुसलमान इस चप्पे चप्पे के मालिक थे, मुसलमान यहाँ के सियाहों सफेद के मालिक थे, हर एक चीज मुसलमान के कब्जे कुदरत में था और मुसलमानों के तसल्लुक में था। अंग्रेजों ने मुसलमानों से छीना है, जिससे ली जाती है जितनी तकलीफ उससे हो उसके पास वाले को इतनी तकलीफ और इतना कुड़हन इतना दर्द नहीं होता है। जाहिर सी बात है जिस कदर इस दर्द और इस कुड़हन को दूर करने के लिए मुसलमानों ने कोशिशें की होंगी, बिरादराने वतन शुरू शुरू में उतनी कोशिशें इन्होंने नहीं की थी यकीनन। लेकिन आज अगर हमारे इन अकाबरीन की कुर्बानियों को फरामोश किया जाता है तो हम इसे मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और हम भी इन अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलेंगे इंशाअल्लाह। वतन अजीज पर जब भी बातिल की नजर जमेगी हम उनकी नजरों को फोड़ देंगे। वतन अजीज की सालमियत पर, वतन अजीज में इत्तेहाद व इत्तेफाक पर और इत्तेहाद व इत्तेफाक की चादर को तार तार करने के लिए जब भी किसी दुश्मन कौम या गद्दार की उंगली उठेगी तो हम उसकी उंगली को काट देंगे। लेकिन हम अपने वतन अजीज के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, वतन अजीज के इत्तेहाद और इत्तेफाक को पामाल नहीं होने देंगे, यहाँ के भाईचारे को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम ये कहने वाले हैं कि हम वो हिंदुस्तान चाहते हैं फिर से कि जहाँ चारों मजाहिब के मानने वाले, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, हिंदू भी हो, दस्तरखान एक हो, प्लेट एक हो और सारे के सारे मजाहिब वाले बैठकर उसमें अपना अपना खाना खाएं। हम वो हिंदुस्तान चाहते हैं अजीज तलबा, और हम इसके लिए मेहनत करते रहेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। एक छोटी सी मेहनत करनी, एक छोटी सी मेहनत करनी, करेंगे कैसे, छोटी सी मेहनत है। हम जाते हैं कभी सफर में, कहीं भी जाते हैं, बिरादराने वतन कभी साथ में मिलता है, 5-10 रुपए की चाय लेकर उसको पिला दें, ये मैं नहीं कहता, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहु मोहम्मद दफयूज़हुमुल आलिया ने हमें ये दर्स दिया था कि अगर तुम इस इख्तलाफ की दीवार को जो हमारे और बिरादराने वतन के दरमियान कायम किया जाता है अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो इसकी आसान सूरत है, 5-10 रुपए 20 रुपए के हम नहीं खर्च कर सकते हैं, 5-10 रुपए की चाय मंगवाएं, चाय बेचने वाला आता है, आप अपने साथ में बैठे 5-10 लोगों को चाय पिला दें, देखें इंशाअल्लाह इससे वो नफरत जिसकी बुनियाद और उसकी मजबूत दीवार दूसरे लोग कायम कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो हम अपने और अपने बिरादराने वतन के दरमियान से ढा देंगे, उसे मुनहदिम कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।